कोई बात नहीं पापा, मुंबई तो हमने देखा हुआ है फिल्मों में, देखने जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ। मैं एक आइडिया बोलूं, मैं घर छोड़ के चला जाऊं। तुम्हारी मम्मी चली गई थी ना वैसे, तो फिर ना तुम लोग अन्ना को बोल देना कि तुम्हारे लिए एक अच्छा वाला नया पप्पा लेके आए, चलेगा? गप रे बाड़ा। अन्ना। ए माला चकुला। अरे देख बेटा, ए तेरे नन्हे देव जैसे दो बच्चे तो रह भी लेंगे तेरे बिना, लेकिन मैं कैसे जी पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा तेरे बिना? हाँ मेरे भोड़ा शंकर, माजा सोनू मोनू, माजा पिल्लू। अभी कभी मत बोलना कि मैं चला जाऊंगा, ऐसा बिना बोल के चला जाऊंगा तो चलेगा? ए देखो बुद्धि सागर गोखले, अरे तू तो नूर है हम सबके जीवन का। अगर हमारा परिवार हमारी अप्रतिम बाकरवड़ी है ना, जिसमें बच्चे लोग तिल कोपरा, औरतें मसाले है मैदा प्रभाकर केशव बेसन बिसन, अभिषेक तेल है, तो तू नमक है, तू नमक है बाकरवड़ी का। हम सब एक साथ में है तभी तो हमारी बाकरवड़ी संपूर्ण है ना, है कि नहीं? बोलो। हाँ। और तुम्हारी मम्मी सुप्रिया ना बाकरवड़ी में गिरा बाल होगी, बाल बाल। हाँ वो बाकरवड़ी के मसाले में बाल गिर जाता है तो हम हटा देते हैं ना ऐसे, छी ऐसा करके। नहीं ए ए बाड़ा, ऐसा ऐसा नहीं। हाँ मैंने कहा बंडिया, देखो हमारी मम्मी तो बाकरवड़ी के मसाले को भिगोता हुआ पानी था, शुद्ध निर्मल, जो बाष्पी भवन हो गया। और उनकी जगह हमारी काकियों ने कितने अच्छे से ले ली। हाँ पापा, आप हमारे लिए कभी उदास मत होना। हमारी बाकरवड़ी अधूरी नहीं है पापा। बरोबर, लेकिन तुम्हारे पापा की वेशभूषा स्पर्धा जीतकर तुम्हारे लिए इनाम लाने की इच्छा तो अधूरी है, उसे कैसे पूरा करूं? सोचिए सोचिए, कैसे पूरे करेंगे मेरी इच्छा, सोचिए। हेलो मालती दाई। हेलो हेलो हेलो, कौन तू, नाम क्या है तुम्हारा? मैं अभिषेक गोखले। अभिषेक गोखले, एक मिनट। हाँ मैं जरा मेरे फोन में देखती हूँ। हाँ B4 अभिषेक, अभिषेक नहीं नहीं A4 अभिषेक गोखले भाई, A में होगा मेरा नाम और फोटो। हाँ हाँ हाँ, पर मैं भूल जाती हूँ ना कि ए से शुरू होने वाले नाम ए में सेव करने चाहिए, मैंने बी में सेव कर दिए। मैं भी ना अभिषेक 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 गोखले। अरे तुम तो अपने अन्ना साहब गोखले के छोटे बेटे हो। हाँ अभी याद आया याद आया याद आया। ये हमारी पड़ोसन फ्रेंड गायत्री। अच्छा अच्छा, पड़ोसन, सुंदर पड़ोसन है, हैं? अच्छा चल बता, क्या मदद कर सकती हूँ मैं तेरी? आपके यहाँ से वेशभूषा स्पर्धा के लिए कुछ कॉस्ट्यूम चाहिए थे। अरे तो ले जाना बिंदास, लेके जा जो चाहिए। विभा कर जरा इनको, देखना क्या चाहिए। वो अपने अन्ना साहेब गोखले है ना, वो इनके बेटे है और ये उनके पिताजी है। नहीं नहीं दही, अन्ना मेरे पिताजी है और मैं उनका बेटा हूँ। हाँ हाँ बरोबर बरोबर, वो बड़े है ना वो ही पिताजी होंगे। अभी याद आ गया, जा 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 तू जा, जो चाहिए वो देख लेना। हाँ
आइए देखिए, सिलेक्ट कीजिए क्या चाहिए। थैंक यू, मैं आता हूं अभी। चलो फ्रेंड, लिस्ट निकालो कॉस्ट्यूम की। फोन में है स्क्रीनशॉट में, एक मिनट। कहां गया? मैं छुप छुप के तुम्हें देखता हूं और तुम छुप छुप के मेरी फोटो खींचती हो, क्यों गायत्री? फ्रेंड फ्रेंड है ना वो? मैम वो मैं, मुझे फोटोग्राफी का शौक है ना, तो ऐसे किसी भी कैंडिडेट विषय पर फोटो खींचती रहती हूँ। अच्छा और किस किस चीज की फोटोज है तुम्हारे मोबाइल में, दिखाओ फोटोग्राफर। अभिषेक कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करे। मैं शांति हूं। अन्ना किधर है? अभिषेक किधर है? प्रभाकर वो वेशभूषा के अलग अलग कपड़े लेने गए हैं। पर आप? मैं शांत हूं, मैं शांत ही हूं। वो अमोल को पहला इनाम जितवाने के चक्कर में इतना सिर फोड़ा मैंने, लेकिन वो समझा नहीं। अभी भी नहीं? कभी भी नहीं समझेगा वो। अभी अभी दंगल पिक्चर का आमिर खान बना था और एक्टिंग की उसने लगन पिक्चर के आमिर खान की। क्यों? हाँ मैंने भी ऐसे ही पूछा, क्यों क्यों बाड़ा क्यों? दंगल पिक्चर के आमिर खान की ही एक्टिंग करना, तो बोला लगन पहले आई थी। तो हाँ शाबाश प्रभाकर, मैंने अग्दि ऐसे ही पूछा। तो हमारा मराठी आइंस्टाइन बोला कि अगर लगन नहीं आती तो दंगल कैसे आती शे? और फिर लगन पिक्चर के आमिर खान की एक्टिंग करके दिखाई। मैं दिखाऊं उसकी एक्टिंग? तो क्या वो गांव की भाषा बोला? नहीं नहीं कुछ बोला नहीं, ऐसे चला गया ऐसे। तो वो चला क्यों गया? सेम मैंने भी सेम टू सेम सवाल पूछा, लेकिन मैंने अपने बाल नोचते नोचते पूछा था, तेरी तरह सादा वाला नहीं पूछा था। मैंने पूछा, अरे विद्वान चंद्र गोखले आमिर खान चला क्यों गया? तो बोला मैं लगन पिक्चर के इंटरवल वाला आमिर खान बना हूं, और इंटरवल में आमिर खान पर्दे पे थोड़ी ना खड़ा रहेगा। अन्ना मैं शांत हूँ, मैं शांत ही हूँ, लेकिन अगर अगर तुम आहो बोलोगी तो मैं फिर से अशांत हो जाऊंगा। अन्ना आ गया इनाम जीतने वाला आ गया। प्रभाकर दिल थाम के बैठो, क्योंकि दिल का दौरा कभी भी पड़ सकता है। अभी देखते हैं ये क्या नजराना पेश करने वाला है। अन्ना मैंने तय कर लिया है, मैं दीपिका की एक्टिंग करूंगा, दीपिका की। देख प्रभाकर देख, तेरे सामने दीपिका खड़ी है, शिल्पी ऑटोग्राफ बिटोग्राफ नहीं क्या लेना है दाढ़ी वाली दीपिका का? हाँ। अरे रूप सुंदरी दीपिका, दीपिका बना है तो एक्टिंग डिक्टिंग नहीं क्या करेगा? देखो ये कौन सी वाली दीपिका बना है तू, ये बाजीराव मस्तानी वाली, पद्मावत या रामलीला वाली? अन्ना मैं राजी की दीपिका बनाऊं। क्या बोला तू चाणक्य गोखले? सुना नहीं? मैं राजी की दीपिका बनाऊं अन्ना। अरे मेरी दुलारी संतान, राजी पिक्चर में दीपिका ने एक्टिंग की ही नहीं है, इसीलिए तो मैंने भी नहीं की। जब दीपिका ने नहीं की तो मैं कैसे कर सकता हूं? नहीं मैं इसका नहीं, स्वतः का सिर फोड़ना चाहता हूं ताकि मैं बेहोश हो जाऊं। अरे माठिया
अमोल तुझे जीतना है ना पहला इनाम। वो तो मैं जीत लूंगा ना अन्ना, मैं ऐसे मस्त एक्टिंग करूंगा ना तो सब लोग हंस देंगे। बराबर है अमोल बड़ा, पहला इनाम तो तू जीतेगा ही अगर तेरे नसीब में हुआ तो। लेकिन अन्ना आ गया मनहूस समाचार वाला टेलीग्राम आ गया, फाड़ के फेंक देने वाला होता है ना वैसा। बराबर है, लेकिन ये टेलीग्राम को फाड़ के फेंक दोगे ना तो जो अशुभ समाचार है वो शुभ तो नहीं हो जाएगा, है ना? क्या मनहूस समाचार लाया है बता। हे बगा, पहले इनाम की घोषणा करता हुआ पोस्टर, स्पॉन्सर्ड बाय गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स। अरे ये और महादेव पेट वेशभूषा, अरे वेशभूषा स्पर्धा तो यहाँ हमारे वाड़े में होने वाली है ना हर साल की तरह रंगारंग कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। हाँ, लेकिन महेंद्र भाऊ ने इसको प्रचार का साधन बना दिया। हाँ, वो पहला इनाम अपने खर्चे से दे रहे हैं मालूम। अरे पर ऐसे पारिवारिक प्रसंग को धंधा बना डालेंगे क्या वो?